Hey guys, morning. Welcome back to my channel. अभी बज चुके हैं सुबह के साथ और आज मैं जा रहा हूँ झांसी. कल मैं आया हूँ रात को 4 बजे शूट करके. और क्या बोला उन्होंने, आज मुझे जाना है झांसी. और मैंने झांसी में मेरे मॉम डैड को किसी को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ. मतलब मैं सरप्राइज़ दे रहा हूँ उनको. तो अब मैं जो कुछ भी करूँगा धीरे धीरे आपको बता दूँगा. हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच. आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिल रही है शूट करने का. तो आज मैं सुबह 7 बजे उठा था और 4 बजे सोया था रात को, क्योंकि मैं कहीं गया था तो आने में लेट हो गया था. और आज का डे स्पेशल है क्योंकि मैं जा रहा हूँ झांसी और आज धनतेरस है. तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को. आप सभी के पास बहुत सारा ढेर सारा धन बरसता रहे. स्पेशल डे इसलिए नहीं कि मैं झांसी जा रहा हूँ, स्पेशल डे इसलिए क्योंकि मैंने घर पर किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ. मतलब मैं घर वालों को सरप्राइज़ दे रहा हूँ. तो अब मुझसे जितना मैक्सिमम शूट होगा मैं करूँगा. थोड़ा सा देख लेना वीडियो को प्लीज़, क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं है. तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद. और मैंने पैकिंग करी है आधे घंटे के अंदर, क्योंकि इस बार मुझे मेरा कैमरा, मेरा लैपटॉप, मेरा लेंस और ये सारी चीज़ें, ट्राईपॉड, ये सब भी रखना था. तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, जो भी हो गया था अब समझ जाना क्या हो गया था. तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुँचने से पहले या एयरपोर्ट पहुँचने के रास्ते में या एयरपोर्ट पहुँचने तक. थैंक यू सो मच, बाय बाय. चुका हूँ और मेरे जो ओला वाले भैया हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी. मुझे ना मास्क लेना था क्योंकि फ़्लाइट में मैं मुंह खोल के सोता हूँ तो इसके लिए मुझे मास्क पहनना होता है. तो बेचारे बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी और कम से कम 10 मेडिकल स्टोर पर उन्होंने मास्क लेने के लिए. फाइनली प्रिंस लेके आया मास्क. चल प्रिंस, हैप्पी दिवाली, ध्यान रख मेरा भी, घर का भी, अपना भी, ठीक है, बाय बाय. तो ये था प्रिंस जो मास्क लेके आए मेरे लिए ताकि मैं आराम से मुंह खोल के सो सकूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे रात को वापस आया था और 7 बजे उठ गया था. सो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ एंड आई होप कि मेरी फ्लाइट मिस ना हो क्योंकि मैं हूँ बहुत कट टाइम पर. मिलते हैं थोड़े से छोटे वाले ब्रेक के बाद. बाय द वे मैं कैसा दिख रहा हूँ? थैंक यू सो मच. एंड आई होप आपको मेरी कल वाली रील पसंद आई होगी. राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई. ना 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 ना. तो ये जिसने भी मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं गाना गा के बताऊँ, तो उनकी ये डिमांड पूरी हो चुकी है. आई एम वेरी स्मार्ट. खान का भी कोई मूवी नहीं आ रहा है? आमिर खान का? हाँ. अभी तो नहीं, अभी तो शादी की ना उसने. अरे आमिर खान अभी शादी की? अच्छा, आमिर खान की बात. हाँ. तो बुड्ढे हो गए, क्या शादी करेंगे? नहीं नहीं, अभी कहाँ बुढ़ापा उनका, उनका बुढ़ापा आने में भी 40 साल है. अरे बाप रे. मेरा 54 हो गया, लेकिन मेरे को भी नहीं ऐसा महसूस नहीं होता, काम करता रहता हूँ, कोई तकलीफ ना ही ना कुछ. 54 हो गया आपका? 54 तो जवानी है, अभी क्या है? मेरे को ऐसा कुछ मालूम ही नहीं पड़ता. लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इतना उम्र हो रहा है क्या. तो ये हमारे ओला वाले भैया हैं. और आपने किसको, जैकी, जैकी श्रॉफ को? टाइगर तभी छोटे थे, तभी उनको ड्रॉप किया था. नहीं, उन्हें मिला था उससे. अच्छा, मिले थे, मुझे लगा आपने ड्रॉप किया था. और टाइगर जब छोटे होंगे तब तो ओला थी भी नहीं ना? नहीं नहीं, टैक्सी था. तो टैक्सी चलाते थे आप? अच्छा. तो खाली रास्ता दिखाने से अच्छा है कि मैं दो बातें कर लूं और मेरे को अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना. हे गाइस, तो फाइनली थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद मैं आ चुका हूं कुछ खाने के लिए. एयरपोर्ट पे ही हूं अभी. तो यार मैंने ना आज बहुत ही अजीब सी हरकत करी है, क्योंकि जनरली मैं कैमरा, लैपटॉप और ये सारी चीज़ें मैंने लाइफ में कभी कैरी नहीं करी है. अब क्योंकि मैं थोड़ा शूट करता हूँ तो एडिट सीख रहा हूँ, तो मैं कैरी किया मैंने. और मुझे आज पता चला है कि जब आप सिक्योरिटी चेक इन करते हो ना, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने बैग से बाहर निकालनी होती हैं. तो दिवाली की वजह से बहुत सारे लोग भी थे और वैसे भी मुंबई एयरपोर्ट तो बहुत लोग होते हैं. तो मैंने पहले वेट किया, मेरा बैग मुझे मिला नहीं, मतलब वो चला गया कहीं और.
फिर उसमें कुछ 15 मिनट लगे एंड देन ही केम एंड ही वाज लाइक कि सर इसके अंदर तो लैपटॉप है। हाँ तो मैंने कहा मैं दिखाता हूँ आपको, तो बोला नहीं नहीं आपको ये लैपटॉप अलग से ट्रॉली में डालना पड़ेगा और अलग से उसमें डाल के आपको वापस स्कैन करना पड़ेगा। तो मैंने सारा प्रोसेस फिर से किया। सो फिर उसमें कुछ 15-20-25 मिनट लगे एंड सारा सामान बाहर निकाला, क्योंकि मैंने बहुत सेफली बहुत आराम से उसको पैक कर दिया था, मुझे लगा कि ख़राब ना हो कुछ टूटे ना। तो मैंने पूरा सामान बाहर निकाला, फिर से सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर मैं फाइनली पास हो गया और अब मैं आराम से चिल करूँगा, रिलैक्स करूँगा और पीऊँगा एक हॉट चॉकलेट। हाँ गुडाइवा। ओके ये मैं इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा है तो मैं ये ट्राई करूँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। वेरी नाइस, मज़ा आ गया। सारे तार जो थे ना अंदर के, जो नींद थी, जो थकान थी, जो मूड ख़राब हुआ, सब कुछ दूर हो गया। मैम ही बहुत अच्छा है, मैं आई लाइक दिस। हाँ थैंक यू सो मच, आपने रिकमेंड किया। आपसे एक बात शेयर करी थी कि मैं फ़्लाइट पे जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं मुंह खोल के सोता हूँ, तो मुझे लगता था कि ये मेरी प्रॉब्लम है और बड़ा ही कॉन्शियस फील करता था मैं इस बात को लेके। लेकिन आज मुझे पता चला कि सिर्फ मैं नहीं और भी लोग होते हैं जो मेरी तरह मुंह खोल के सोते हैं। अब मैं पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने लिया बट ये इसीलिए लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। सो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, तो मैं पहली माफी मांग रहा हूँ। बस बस पदम, ये पदम है जो मेरे को हमेशा ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर जब मेरा ड्राइवर नहीं होता है तो लेके जाते हैं। बहुत बात करने की आदत है इनकी, है ना पदम जी? हाँ कहता जी वो तो गाड़ी उठाई थी आपने। हाँ कड़े वो पापा ने जब कार ली थी ना तो मैंने सरप्राइज दिया था तो तब भी पदम आया था। तो अभी यार मुझे ना पदम जी अपने भतीजे के लिए एक बाइक लेनी है, 3 साल का है वो, छोटी बाइक लेनी है जी, जी। तो वो तुम्हारा जिम्मेदारी है दिलाना मुझे। कृषिफ को बाइक लेनी है, वो हमेशा जब भी मुझसे फोन पे बात करता है तो बोलता है कि चाचू बाइक चाचू बाइक। तो देखते हैं कहीं बाइक मिल जाएगी तो, क्योंकि मैं बड़ी दुकान है। हाँ तो क्योंकि मैं शूट में बिजी था और इस वजह से मैं बाइक नहीं ले पाया उसकी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑन द वे मुझे बाइक मिल जाए। बाकी तो मैंने ना अपने किसी जानने वाले को फ़ोन किया था और उसको पूछा मैंने कि कृषिफ के लिए मुझे एक बाइक लेनी है तो कहाँ मिलेगी। तो उसने मुझे एक जगह बताई है, घर जाने से पहले मैं वहाँ जाऊँगा, अगर बाइक मिल गई तो मैं बाइक लूँगा और फिर मम्मी को फ़ोन करके बोलूँगा कि कृषिफ को बाहर भेज दो उसकी। बाहर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि बाइक रख दूँगा अगर मिल गई तो, और फिर उसका रिएक्शन देखूँगा कैसा है। तो आपकी जो डिमांड थी कि मैं डेली व्लॉग शूट करूँ, शायद ये इस पूरे वीडियो में पुराना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आज का ही है। तो एक डिमांड और मैंने आपकी पूरी करी, बाद में शायद वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए। आप समझ गए होगे क्या।